आपकी ये जो फिल्म है इसका नाम तो इतना शानदार टाइटल आप पाए कहाँ से? क्या है कि आजकल अभी आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले यूपी में काबा, यूपी में ये है वो है, इस चीज़ को लेके हम लोगों ने जो सोचा और प्लान किया कि काश यही नाम ऐसा रखते हैं कि मेरे फिल्म का नाम सबको याद हो और फिल्म लगभग सभी लोग देखें, इसको कुछ नया करते रहें, कुछ नया करते रहें, और इस चीज़ को लेके जो है हम लोग का प्लान बना के फिल्म बनाते हैं। और ये हमारे डायरेक्टर साहब जो है संजय बस्सल जी मिल गए, बातचीत हुआ और नाम भी हमने जो है कोच के ऐसा रखा है कि आप देख ही रहे हैं, और अब ऐसे जो है हम लोग एक से एक नया कार्यक्रम करते रहेंगे। रोल तो करवा दीजिए आप। ये हमारे बड़े भाई मित्र राजकुमार निषाद जी हैं, मैं दुर्गेश पांडे हूँ, भाई साहब हैं संतोष शर्मा जी हैं, और भाई साहब हमारे रंजीकांत जी हैं। यार क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह आपके मित्र मिलके फिल्म बना रहे हैं, डायरेक्टर साहब के निर्देशन में फिल्म बना रहे हैं, कितना आपको आज खुशी लग रही है कि फिल्म जो कि हम लोग जो है करते हैं? पहले तो हम अपने डायरेक्टर साहब यानी मेरे बड़े भाई डायरेक्टर पहले हैं, भाई भी हैं, उनसे प्रेरित हुए हम लोग फिल्म बनाने के लिए बहुत दिन से सोच रहे थे एक अच्छी मूवी किया जाए। मुझे यूपी में जो काम मेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो इस समय के मुख्यमंत्री हैं गोरखपुर के, तो यूपी में अच्छे से काम हो रहे हैं, ऐसे दमदार काम हो रहे हैं, ठीक है, गुंडा माफिया सब लोग जो भी लोग हैं आज त्रस्त हैं, शांति है, तो एक ऐसा नाम लिया गया, मुझे मुख्यमंत्री से इनाम मिला, अपने शहर से इनाम मिला, कि जैसे रवि किशन जी बोलते थे भाषण में यूपी में काबा यूपी में दम्बा, इस तरीके का गाना भी बना, उससे प्रेरित होकर के जब फिल्म का नाम दबंग होगा तो पिक्चर भी दबंग होगा, उसमें अच्छे लोग भी होंगे, अच्छे करेक्टर भी होगा, तो एक माफिया शिक्षा माफिया उसमें सब तरीके का कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम बोल नहीं सकते हैं, डायरेक्टर साहब बोले जो बाद में दिखाया जाएगा, और आप लोग ऐसा घुमा घुमा कुछ तरीके हम बोल दें तो बोलेंगे नहीं। मतलब ये मान लिया जाए कि जो आज के युवा जो पढ़ाई लिखाई करते हैं या जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं जी जी, तो शिक्षा किस तरीके से शिक्षा की वजह से परेशान हो जा रहे हैं या फी देने में परेशान हो जा रहे हैं, इन्हीं सब सब्जेक्ट पे? जी हाँ, सब्जेक्ट पे भी, प्लस एक मेरे युवा एक एक्टर थे हमने उसकी उस तरीके की भी कहानी है, उस तरीके ले जैसे इसे भी प्रेरित होकर के देखा जाए क्या उस तरीके का। जैसे इस फिल्म को हम इसलिए बना रहे हैं कि आज जो वास्तव में इस समाज में हो रहा है और बच्चों के साथ गार्जियन नहीं जान पाते हैं क्या हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है, समाज में हो रहा है, इसी चीज़ को वास्तव में हम फिल्म के जरिए दिखाना चाहते हैं कि हर गार्जियन देखें और अपने बच्चों के और सबको संभाले। दो प्रोड्यूसर बड़े शांत हैं, दो ये गरम दल और जो है नरम दल, दो हैं क्या इसमें कुछ है, दो लोग बोल रहे हैं, दो लोग नहीं, सब सब एक हैं और एक जो कहता सब समझ लेते हैं, चार लोग हैं कोई बर्दा है तो दिल की बात समझ लेते हैं, इनका दर्द इनका दर्द इनका दर्द से समझते हैं, हम तो बोल देंगे कुछ ही बोल देंगे तो ही आज ये कंपनी बनी हुई कोई बर्दा फिल्म प्रोडक्शन हाउस, उसी पर ये फिल्म बन रही है। हमारे में जो एक आदमी कह दिया वो चारों का, इसे चारों से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, एक हाँ कर दिया। और डायरेक्टर साहब बहुत अच्छा नाम दिए, सबको पसंद आया, कोई भी काम होगा डायरेक्टर तो है ही, लेकिन कोई भी काम होता है बिना चार छोड़ दिए पांच में मिल के ही डिसीजन लेते हैं, चार तो प्रोड्यूसर हो गए हैं, डायरेक्टर साहब को मिलेगा और ब्रदर नाम है, लेकिन इसमें फाइट जो है नंबर साहब भी है। स्टार का समर जी हैं, आपने कभी मुलाकात हुई की? अभी मुलाकात कैसा लगा, क्या है कि आप? बहुत अच्छे आदमी हैं, विचार से, भावनाओं से, बातों से, कोई घमंड नहीं उनके अंदर, अच्छे एक्टर हैं, युवा एक्टर हैं, हम लोग भी युवा हैं, पिछले युवा युवा को पसंद है, उनके साथ में आ रहे हैं। क्या शुभकामनाएं देंगे आप? किसको शुभकामनाएं देंगे फिल्म को लेकर? कि पहले नंबर तो आज हमारे डायरेक्टर साहब का बर्थडे है, उनको इस बर्थडे के लिए सर आपको एक तरफ से उनकी लंबी उम्र हो और एक नहीं 1001 फिल्म करें, हम सबको लेकर के भी और अपने अन्य मित्रों को लेकर के। अभी तो साल